हरियाणा विधानसभा चुनाव से सुनीता केजरीवाल की तरफ से हरियाणा में 24 घंटे मुफ्त बिजली और हर महिला को 1,000 रुपये सहित केजरीवाल की 5 गारंटी पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा और कहा कि आम आदमी पार्टी की अब जमानत जब्त हो गई और ये जमानत जब्त पार्टी हो गई है और इनके लालच देने वाले फॉर्मूले को अब जनता ने ठुकरा दिया। वहीं दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर भी विज ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि एक लहर चल रही है जो कांग्रेस की इस बाप बेटे को हिंद महासागर में फेंक देगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन से अलग होकर सभी 90 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिस पर तंज कसते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि आप पार्टी अब जमानत जब्त पार्टी बन गई है। दिल्ली में ये पूरी तरह साफ हो गई है, पंजाब में भी उन्हें सफलता नहीं मिली है। पूरे देश में जहाँ जहाँ भी इन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। अब इस पार्टी का कोई किरदार नहीं रह गया, क्योंकि जो बातें करके ये सत्ता में आए थे उससे यू टर्न हो गए। आम आदमी पार्टी अब जमानत जब्त पार्टी है। दिल्ली में पूरी तरह साफ हो गई, पंजाब में भी उसको कोई सफलता नहीं मिली और सारे देश में जहाँ जहाँ इन्होंने खड़े किए थे वहाँ पर इनकी जमानतें जब्त हुई हैं। अब इस पार्टी का कोई किरदार नहीं रह गया, क्योंकि जो बातें करके ये लोग सत्ता में आए थे उससे ये यू टर्न हो चुके हुए हैं और लोगों को अब इनकी सच्चाई का पता लग चुका है। हरियाणा में सुनीता केजरीवाल द्वारा 24 घंटे मुफ्त बिजली और हर महिला को 1,000 रुपए सहित केजरीवाल की 5 गारंटी पर तंज कसते हुए अनिल विज ने कहा कि इनका ये फॉर्मूला जनता ने ठुकरा दिया है। ये हर प्रदेश में जाकर जनता को इसी तरह का लालच देते हैं, लेकिन जनता ने इन्हें ठुकरा दिया है। नहीं, ये जो फार्मूला है ये जनता ने ठुकरा दिया है। ये हर प्रदेश में जाके लोगों को लालच देते हैं इसी प्रकार का, लेकिन लोगों ने इसको ठुकरा दिया। ये बाहर निकले हैं लेकिन सामने आ रहा है कांग्रेस का हिसाब, जो कांग्रेस ने किया। इनके पहले भी कई लोग अंदर जा चुके हैं और उनसे करोड़ों की संपत्ति अर्जित की हुई सामने आई है। हरियाणा के सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने गिरफ्तार कर कोर्ट से 9 दिन की रिमांड पर लिया है, जिस पर कटाक्ष करते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अपने ही अंदाज में गीत गुनगुनाकर तंज कसा। ईडी द्वारा कांग्रेस विधायक पर की गई कार्रवाई पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि कांग्रेस की एक लहर चल रही है जिससे बीजेपी डर रही है और ईडी का इस्तेमाल कर रही है, जिस पर तंज कसते हुए विज ने कहा कि हाँ, एक लहर चल रही है जो कांग्रेस के बापू बेटे को उड़ाकर हिंद महासागर में फेंक देगी। वो आंधी और तूफान चल रहा है जो इनको यहाँ से उखाड़ के फेंक देगा। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस के बापू बेटे को एक लहर महसूस हो रही है, इनको उड़ा के लेके जाके हिंद महासागर में फेंकने वाली। वो आंधी चल रही है, वो तूफान चल रहा है इनको यहाँ से उखाड़ने के लिए। बहरहाल, हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी गर्मागर्मी बढ़ गई है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होती है। टोटल टीवी के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट।